अंबानी केस जांच में एनआई का बड़ा खुलासा। 60,000 की नौकरी करने वाला 5,000 करोड़ का मालिक कैसे बना वाजे। सचिन वाजे की मर्सिडीज कार एनआई ने हिरासत में लेने के बाद अब मुंबई पुलिस कर सकती है इंटरनल इंक्वायरी। मिली जानकारी के अनुसार सचिन वाजे मुंबई कमिश्नर ऑफिस में अब तक जितनी गाड़ियां लेकर आए थे उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है। साथ ही ये गाड़ियां किसकी है और सचिन वाजे से उनका क्या संबंध है, इनकी भी जांच मुंबई पुलिस कर सकती है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार ने कल कहा कि तुम्हारा सरकार को भी जानना बहुत जरूरी है, अब तक जांच में सचिन वाजे 5,000 करोड़ का आदमी निकला, 3 कंपनियां उसकी खुद की निकली और 10 कंपनियों में वह शिवसेना के नेताओं के साथ पार्टनर है। उसने बड़े बड़े बिल्डर्स को डरा धमका कर और मैच के सट्टेबाजों से कई 100 करोड़ रुपए वसूले और उन पैसों की वह अपनी तेल कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता था। मात्र 6 साल की सब इंस्पेक्टर की नौकरी और 8 महीने से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी में मात्र 60,000 सैलरी पाने वाला मुंबई जैसे शहरों में जहां 30,000 महीने के मिनिमम खर्चे हो, ऐसे में सचिन वाजे 5,000 करोड़ का अचूक दौलत कैसे इकट्ठा कर लिया, इसकी जांच अब परत दर परत एनआई कर रही है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की सांसें फूलने लगी है। एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी मिली स्कॉर्पियो कार, फिर मनसुख हिरेन की मौत के बाद पहले मुंबई पुलिस, फिर क्राइम ब्रांच, उसके बाद एटीएस, फिर एनआई की टीम ने अब तक जो खुलासे किए हैं वह काफी चौंकाने वाले और हैरान कर देने वाले हैं। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हंगामा देखा गया, जिसका असर अब आने वाले 24 घंटों में कई अधिकारियों के तबादले के अलावा राजनीतिक परिवर्तन की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट।